गांव में रहना पटेल ने छोड़ दिया है क्या? ए नो टाइप क्वेश्चन है. हैज मिस्टर पटेल गिवन अप लिविंग इन विलेज? 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 यस, पटेल हैज गिवन अप लिविंग इन विलेज. 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 बट हिज फादर हैज नॉट गिवन अप लिविंग इन विलेज. बट हिज फादर हैज नॉट गिवन अप लिविंग इन विलेज. हिज फादर हैज नॉट गिवन अप लिविंग इन विलेज. हिज फादर हैज नॉट गिवन अप लिविंग इन विलेज. हिज फादर हैज नॉट गिवन अप लिविंग इन विलेज. सोमवार को उपवास रखना उसने छोड़ दिया क्या? हैज ही गिवन अप, हैज ही गिवन अप कीपिंग फास्ट ऑन मंडे? 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 यस, ही हैज गिवन अप कीपिंग फास्ट ऑन मंडे. 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 बट आई हैव नॉट गिवन अप कीपिंग फास्ट ऑन मंडे. आई हैव नॉट गिवन अप कीपिंग फास्ट ऑन मंडे. आई हैव नॉट गिवन अप कीपिंग फास्ट ऑन मंडे. आई हैव नॉट गिवन अप कीपिंग फास्ट ऑन मंडे. अभी आपको वीडियो पॉज करना है और इन चारों सेंटेंसों की ओर देखते हुए, इन सभी सेंटेंसों की ओर देखते हुए इन्हें अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है. आपकी जो कोशिश है आपके मोबाइल में आपको रिकॉर्ड करना है. आपकी रिकॉर्डिंग फिर से आपको चेक करना है उसमें क्या फॉल्ट है, क्या दोष है देखने. फिर से आपको रिकॉर्ड करना है, फिर से कोशिश करना है, फिर से रिकॉर्ड करना है. इस तरह से 5, 6, 7, 8 बार जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते कि जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ उसी तरह से जब तक मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं आ रहा, तब तक आपको आपकी कोशिश जारी रखनी है. और जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि मैं अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल पा रहा हूँ, तो फिर से वीडियो प्ले कीजिए और अगला पार्ट देखिए. देखिए मैं एक बार कोशिश करता हूँ. हैज मिस्टर पटेल गिवन अप लिविंग इन विलेज? यस, मिस्टर पटेल हैज गिवन अप लिविंग इन विलेज. बट हिज फादर हैज नॉट गिवन अप लिविंग इन विलेज. हैज ही गिवन अप कीपिंग फास्ट ऑन मंडे? यस, ही हैज गिवन अप कीपिंग फास्ट ऑन मंडे. बट आई हैव नॉट गिवन अप कीपिंग फास्ट ऑन मंडे. इस तरह से आपको आपकी कोशिश जारी रखनी है. इसलिए इस पन्ने पर निचले हिस्से पर और एक सेंटेंस है उसे भी हम अंग्रेजी में बनाते हैं. गुटखा खाना तुम्हारे पिता ने छोड़ दिया क्या? हाँ, मेरे पिता ने गुटखा खाना छोड़ दिया. हैज योर फादर गिवन अप ईटिंग गुटखा, चीविंग और ईटिंग? Has your father given up chewing gutka? 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 Yes, my father has given up chewing gutka. Yes, my father has given up chewing gutka. 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 इस तरह से आपको आपकी कोशिश जारी रखनी है.
इस निचले हिस्से में सभी सेंटेंस यहाँ पर अंग्रेजी में दिए गए हैं, लेकिन आपको अंग्रेजी पढ़ने के लिए नहीं है, आपकी सिर्फ सहायता के लिए अंग्रेजी है। आपको हिंदी की ओर देखते हुए आपकी कोशिश जारी रखना है। आपको कहीं तकलीफ हो जाती है, कहीं प्रॉब्लम आ जाता है, तो आपकी सहायता के लिए यहाँ पर अंग्रेजी है, इसलिए अंग्रेजी की ओर नहीं देखना, हिंदी की ओर देखते हुए कोशिश करना है, अंग्रेजी आपकी सहायता के लिए। देखिए, हैज़ मिस्टर पाटिल गिवन अप लिविंग इन विलेज? यस, मिस्टर पाटिल हैज़ गिवन अप लिविंग इन विलेज, बट हिज फादर हैज़ नॉट गिवन अप लिविंग इन विलेज। हैज़ ही गिवन अप कीपिंग फास्ट ऑन मंडे? यस, ही हैज़ गिवन अप कीपिंग फास्ट ऑन मंडे, बट आई हैव नॉट गिवन अप कीपिंग फास्ट ऑन मंडे। हैज़ योर फादर गिवन अप चीविंग गुटका? यस, माई फादर हैज़ गिवन अप चीविंग गुटका। हमारी जो किताब है एसपी चैलेंज टू स्पीक इंग्लिश, ये 448 पन्नों वाली किताब है। इसके हर एक पन्ने को हम वीडियो फॉर्म में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए हमारे वीडियोस देखते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी दोस्त अंग्रेजी बोलने में परिपूर्ण बनना चाहते हैं, उन्हें भी जानकारी दे कि वो भी हमारा चैनल देखते रहे, वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।